जब ट्रेन के वॉशरूम का डब्बा चोरी होने लगा तो रेलवे ने उसे जंजीर से बांधना शुरू कर दिया। लेकिन अब इंजन कैसे बांधा जाए? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में रेल के इंजन चोरी होने लगे हैं, वो भी वर्कशॉप से और रेल प्रशासन की नाक के नीचे से। टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े मनोज चौरसिया की खबर के मुताबिक हाल ही में ट्रेन का एक डीजल इंजन बेगूसराय जिले के बरौनी में स्थित गरहारा यार्ड में रिपेयरिंग के लिए लाया गया था। बीते हफ्ते चोरों के एक गैंग ने इस इंजन को यार्ड से ही चुरा लिया। चोर इंजन के कलपुर्जे खोलकर ले गए। पुलिस को सूचना मिली और तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे मिली जानकारी के आधार पर अधिकारियों ने मुजफ्फरपुर की प्रभात कॉलोनी में स्थित एक कबाड़ी के गोदाम पर छापा मारा। इस दौरान 13 बोरियों में इंजन के कुछ कलपुर्जे बरामद हुए। इस बारे में एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने मीडिया को यह भी बताया कि हमने जब जांच पड़ताल की तो हैरान करने वाली बात सामने आई। हमें यार्ड के पास एक सुरंग मिली। इसी सुरंग के जरिए चोर आते थे और इंजन के पुर्जों को चुरा लेते थे। वो इन्हें बोरी में भरकर ले जाते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की ही खबर के मुताबिक हाल ही में इंजन चोरी से भी ज्यादा बड़ी चोरी की घटना बिहार के अररिया जिले में हुई। अररिया की सीताधर नदी पर स्थित लोहे के पुल को चोरों के एक गैंग ने खोल लिया। रेलवे ने स्थानीय पुलिस को मामले की FIR दर्ज कर पुल के बचे हुए हिस्से की सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल तैनात करने को कहा है। इससे पहले अप्रैल 2022 में बिहार के रोहतास जिले में चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई थी। यहां नकली अधिकारी बनकर आए चोरों ने 3 दिन में 60 फीट लंबे और 500 टन वजनी लोहे के पुल को गायब कर दिया था। चोरों ने सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से ही पुल कटवाया और गाड़ियों में भरकर उसका लोहा चुरा ले गए। ये पूरा कारनामा दिन दहाड़े हुआ और किसी को शक तक नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में सिंचाई विभाग के एक असिस्टेंट इंजीनियर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनके बयान के आधार पर पुलिस ने पुल का स्क्रैप किया हुआ हिस्सा बरामद कर लिया। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।